हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में आज आपके लिए खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी शीट यूज़ करते हैं या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें कभी कभी हमें इमोजीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो इमोजी कैसे इंसर्ट कराया जाए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लगाने वाले हैं। फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्केटिनेट इज इक्वल टू लगा के कॉन्केटिनेट टाइप करना है। कॉन्केटिनेट एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है, जो कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने कॉन्केटिनेट, और जैसे ही हम कॉन्केटिनेट लगाएंगे तो एक और फॉर्मूला फंक्शन होता है हमारा कैर का। तो ये कैर फंक्शन हमने लगा दिया। अब कैर लगाने के बाद आपको क्या करना है, हेक्सा टू डेसिमल फंक्शन यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको हेक्सा टू डेसिमल यूज करना है, ठीक है। तो हेक्सा टू डेसिमल फंक्शन लगा लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर डबेटेड कॉमा ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही डबेटेड कॉमा ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 1F, ठीक है। F का मतलब आप जानते ही हैं, अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ये सब कन्वर्जन पढ़ा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और यहाँ लिखिएगा 466, ये लिख करके और आपको क्या करना है, डबेटेड कॉमा को क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज करते हैं तो आप क्लोज करके दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, ठीक है। और दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा करके यहाँ पर जो लिखा जाए, ठीक है, वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है और सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके और देन एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर एक इमोजी आ चुकी है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे नेम लिख देते हैं रितेश, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो नेम भी साथ में आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रितेश नाम लिखा है हमने, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर वो नेम भी साथ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और, राम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये राम लिखा हमने, और यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो है इमोजीज बनती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सोहन लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सोहन जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पर भी इमोजी वाली बन जाएगी। तो इस तरीके से आप फंक्शन की मदद से भी इमोजीज बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है।